हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। जो आपको पता है कि बीपीएससी ने हेड टीचर की एक वैकेंसी निकाली थी 40,000 वैकेंसी की, 40,000 पोस्ट पर। तो इस पे जो एग्ज़ाम डेट थी जो इसकी वो थी 18 दिसंबर। लेकिन अब ये अभी भी कुछ देर पहले की खबर है कि अब ये जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को नहीं होगा हेड टीचर का, और अब इसकी जो नई एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या कारण है जिसकी वजह से एग्ज़ाम डेट को चेंज किया है और कितना चेंज किया है। ज़्यादा चेंज नहीं किया है, पहले उसकी एग्ज़ाम डेट 18 थी लेकिन अब उसको बढ़ा के 22 कर दिया है, 22 दिसंबर कर दिया है। बस 4 दिन का चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और इसका जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द वेबसाइट पर आ जाएगा बीपीएससी के। जैसे ही उसके रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कारण थे इसके जिसकी वजह से इसकी एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे जो इसकी एग्ज़ाम डेट चेंज होने के कारण है कि आयोग बीपीएससी द्वारा नोटिस में ये विज्ञापन निकाला गया था। और यहाँ पर इसमें प्रधान शिक्षक की जो भर्ती आई उसकी जो एग्ज़ाम डेट थी 18 दिसंबर को ले जानी थी, उसका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होना था। लेकिन नगर पालिका के निर्वाचन बिहार में जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है उसकी वजह से इसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसको चेंज कर दी गई है। अब उसका जो एग्ज़ाम है वो गुरुवार को होगा, 22 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। तो ये गाइज मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी क्योंकि ये बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें 40,000 भर्ती निकाली गई, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इसके बारे में अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। और गाइज अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा हम तुरंत आपके सामने एग्ज़ाम का डिस्कशन लेके आएंगे और साथ में उसकी कट ऑफ भी लेकर आएंगे। इसी प्रकार आप हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद गाइज।